अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कैसी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? हम शराफत से बात कर रहे हैं, आप जूते चप्पल बरसा रही हैं। फिर हम भी तैयारी करके आए हैं। थाउजेंड को सर। खबरदार कोई माँ की तरफ बढ़ा भी तो। अरे हम तो कह रहे थे कि हम ठीक है, सुरक्षित है, सेहतमंद है, और कुछ इल्जाम वगैरह लगा है ना, तो हम सबका शक दूर करेंगे। अभय जी, बस इतना ही बताना था मीडिया, अब आप इन्हें चलता करिए। माँ आज ही हॉस्पिटल से लौटी है, आज के लिए बस इतना ही। मीडिया जा सकती है यहाँ से, जाइए यहाँ से। वो गुंडे रज्जू को टीवी पर देखेंगे तो यही समझेंगे कि सीएम ठीक है और खुद बात करने आएंगे, घर छीनने का भी नहीं सोचेंगे। अरे मैडम, अगर आपको सीएम की कुर्सी सुरक्षित रखनी है तो प्रदेश के लिए जो योजना बनाई है वो बतानी तो पड़ेगी ना। हाँ देखिए, आप सब लोगों को जो कुछ भी पूछना है अभय जी से पूछे, वैसे भी माँ बहुत ज्यादा थकी हुई है, हम इन्हें आराम करने ले जा रहे हैं। चलिए माँ। आइए आप लोग बैठिए, मैं बताता हूँ आपको। तुम्हारी अम्मा अनारकली खाए बन गई है। मैं कैसे पता होगा, बोला है संतुलन हिल गया है ना। मम्मी टीवी क्यों बंद की? माँ, माँ आप ठीक है ना? अरे अम्मा, अरे क्या कर रही हो, ऐसे कैसे नाच रही हो तुम? मेरी तो आंखें शर्म से झुक गई हैं। हमारी भी। लगता है हमें आप सबको बताना ही पड़ेगा। इस गाने से एक कहानी जुड़ी हुई है। पिछले महीने ये गाना जिसने सुनाया था माँ को, वो एक बहुत भली औरत थी और प्रदेश के विकास में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, पर कुछ समय पहले उनका निधन हो गया। तब से माँ ने तय किया कि जब भी माँ ये गाना सुनेंगी वो इस गाने पे जरूर नाचेंगी। हाँ हाँ हाँ, ये जो आप लोगों ने नाच देखा, ये नाच नहीं था, ये उस भली औरत के लिए श्रद्धांजलि थी, उस समाज सेवक औरत के लिए जिसने प्रदेश के लिए इतना कुछ किया।
हम का कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि जब हम नाचेंगे तो हमारे आसपास इतने सारे लोग होंगे। वो का है कि हमने श्रद्धांजलि देने का वचन लिया था ना, इसीलिए नाचना पड़ा। वैसे नेताजी, अपनी सीएम साहिबा बहुत अच्छा नाचती है, ये आज पता चला। माँ, आप थक गई होंगी ना, आप आराम कर लीजिए, और श्रद्धांजलि नहीं देनी है। हाँ जाइए जी, चलते हैं। कौन से हॉस्पिटल में रखा है माँ को? मुझे मिलना है उनसे। हम ले चलते आपको माँ के पास, चलिए। जो डॉक्टर माँ का ख्याल रख रहे हैं वो बहुत अच्छे और बहुत भरोसे के भी, वो ये बात कतई भी बाहर नहीं जाने देंगे कि असली सीएम इस अस्पताल में है। थैंक यू। हमें माफ कर दीजिएगा, आपको बिना बताए हमें ये सब करना पड़ा। बालक के डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि माँ को कब होश आएगा वो नहीं कह सकते। अबे जी, 72 घंटों में से 48 घंटे बाकी थे, घर की इज्जत नीलाम हो जाती, इसलिए हम रज्जू को। नहीं विद्या, तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। अरे, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम और मैं तो एक ही है ना विद्या। मेरा फैसला तुम्हारा फैसला, तुम्हारा फैसला मेरा। असेरा जो उन लोगों से मिल पाए जिनके पास हमारे परिवार को बदनाम करने के सबूत हैं। बिंदिया बोलो, बिंदिया रज्जो ऐसा कर पाएगी ना? भोलेनाथ पर भरोसा रखिए अभय जी, रज्जो को बस माँ बन करके उन सब से मिलना है और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अभय जी, आप जाके बात कीजिए, हम आते हैं। ठीक है। माँ कहाँ है? रज्जू रानी अभी काम में व्यस्त है, कुछ काम हो तो मुझे बता दीजिए। मुझे उनसे ही काम है, हटो। पहले काम तो बताइए, तभी तो पता चलेगा कि मैं कर सकता हूँ या नहीं। देख, बेवजह पिटेगा मेरे हाथ से, हट जा भी। क्या हुआ अभय जी? ये देखो ना, रज्जू का नौकर बेवजह मेरे मुंह लग रहा है। हाँ, झूठी गई के मुंह कहाँ लगाया। अभय जी, इसे छोड़ी,
चल के अंदर बात करते हैं। चल। अबे जी ये क्या कर रही हैं आप? रे छोरी, तेरी सास का कलेक्शन ना घना कसोटा से पैर कर देख रही हूं। ये मां के सामान को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? रे छोरा, रे छोरा, माँ की एक्टिंग कराएगा और माँ के सामान को छूने ना देगा। रे जे मरोड़ ना, किसी और को दिखाना। अरे रख रख अपना गहना अपने पास में, मन्ने ना बनना बर्फी जलेबी। ले नहीं नहीं नहीं, अभय जी के कहने का ये मतलब नहीं था। अब आप इस घर में माँ बन के रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि उनकी चीजें इस्तेमाल करेंगे ना, पर ये सारे गहने एक साथ और ये खास मौकों पर पहने जाने वाली इतनी महंगी साड़ी घर में, अजीब सा मेकअप। रे इस मेकअप में ना मारे नए नक्श बहुत करारे लगे से, मने ना सीखा कि सुंदर कैसे लगते हैं। देखिए बर्फी देवी ऐसा मेकअप नहीं करती थी, अगर आपको ऐसे किसी ने देख लिया तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। अम्मा अंदर हो क्या? अरे हम कब से आवाज लगा रहे हैं। अम्मा अम्मा, ये बावड़ी पूछ है रागी। अरे हमरी तेरी अम्मा। क्या हो गया इनको? हाँ अरे रुंजन, वो डॉक्टर ने दवाई के साथ साथ कुछ और इलाज भी बताए हैं। ये पाउडर ऐसे लगा के रखने को कहा है उन्होंने। डॉक्टर का भी संतुलन हिल गया है। अच्छा अम्मा, वो बाहर मुस्तंडे लोग आ गए हैं। बहुत सारे आदमी लेकर आए, हंगामा कर रहे हैं। अरे पति जी रोकने की कोशिश कर रहे हैं पर हमको लगता है रोक नहीं पाएंगे। अम्मा मुंह पोंछ के आना, हम तो डर गए, वो भी डर जाएंगे। साफ कर दो इनको। ए रुको, क्यों नहीं बर्फी देवी? अरे ए ए रुकिए, कहां है बर्फी देवी? ए बर्फी देवी को बुलाओ, बुलाओ बर्फी देवी को। हम कह रहे हैं ना आपसे कि सीएम साहिबा आने वाली है, देखिए आप जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती का मतलब बताएं तुमको हम? ए ए ए रुकिए, क्या करेंगे हम? तो इन्हें बता ही नहीं पाए कि इन्हें बोलना क्या है। विद्या तुम इन्हें तैयार करो, मैं बाहर जाके संभालता हूँ। उन सबके सामने इन्हें सिर्फ हम बैठा कर रखेंगे, बाहर सिर्फ तुम और मैं बात करेंगे। बिंदिया ये कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ सुना ना आपने, आपको सिर्फ चुप रहना है, कुछ मत बोलिएगा। आई लोग क्या कर रहे हैं? अरे पति जी आपने रोका काहे नहीं? अरे वही तो कर रहे हैं पत्नी जी, तुम सासू माँ को लेने गई थी, कहाँ हुआ, कहाँ है वो? अरे हमने बोला उनको आ रहे हैं। अरे ये पगला गए, फोड़ रही है। अरे, 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 अरे रुक जाइए। अरे ये क्या, रुकिए नहीं, ये क्या हरकत है, बंद करो ये सब।
सब बंदूकें घर के अंदर लाने का क्या मतलब है? लाइसेंस है अभय बाबू, कहीं भी ले जा सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बुलाइए जरा अपने माताजी को, बात कर लेते हैं, फिर सोचेंगे इसे इस्तेमाल करना है या नहीं। बर्फी जी यहाँ है। नमस्ते बर्फी देवी। नमस्ते। आपके कैंपेन के लिए जब हमने पैसे दिए थे, हमारे और आपके बीच डील हुआ था, और आप आज उस डील से हट रही हैं। उस कागज का अब हम क्या करें? अब बताइए, वो कागज हम मीडिया में दे दें कि उसका पोस्टर छपवा दें, और आप लोग को सड़क पे लाने का काम पार्टी वाले कर लेंगे। तुम क्या कह रहे हो? आप पीछे मत बोलो, अब हमें जो भी सुनना है आपकी माता जी से सुनना है। हम अपनी डील से पीछे नहीं हटे हैं। वो तो कांतिलाल जी के जेल जाने के कारण काम थोड़ा टल गया था। पार्टी का माहौल भी बदल गया। पैसों की एवज में हम डैम बनाने का काम आपको नहीं दे पाएंगे। रज्जू को ये सब बातें कैसे पता है? ये सब तो सिर्फ माँ को पता होना चाहिए था। अरे नहीं दे सकते डैम का टेंडर तो हमारा पैसा लौटा दीजिए। हाँ, हम वही करेंगे, हम आपका पैसा लौटा देंगे, बस हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। अरे जब पैसा हमने एक बार में एक झटके में दिया था तो मैं एक झटके में अपने पैसे भी वापस ले सकता हूँ। हमरे लल्ला के सामने कोई उंगली उठावे ना तो हम उसका हाथ तोड़ देते हैं। और यहां तुम सब बंदूक ताने खड़े हो, सोचो तुम सबका क्या हाल करेंगे हम। अरे हम आपकी कोरी धमकियों से डर के ऐसे यहां से नहीं जाने वाले। ऐसे जाने को नहीं बोल रहे हैं, खेल के जाने को बोल रहे हैं। खेल? एक चाल खेलने को बोल रहे हैं। अगर तुम जीते तो जितना देना है उसका 3 गुना लेकर चले जाना, लेकिन अगर हम जीते तो अपना समूह लेकर चले जाना यहां से। अरे
तीन गुना कर्जा मतलब ये हमारी सारी जायदाद विद्या। जश्न मनाने से पहले हमरे पत्ते भी तो देख लो। देखो ये क्या, ये तो गेम ही पलटी हो गई।